नमस्कार मित्रों, 2024 के श्राद्ध पक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वर्ष 17 सितंबर से प्रारंभ होकर के 2 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष चलेगा और 16 दिनों का जो श्राद्ध पक्ष आता है वैदिक कैलेंडर हिंदू कैलेंडर के अनुसार उसके हर दिन की अलग अलग महत्ता होती है, अलग अलग बातें होती हैं। और श्राद्ध के बारे में जो बातें आपको ध्यान रखनी है, जो बातें आपको नहीं करनी है, जो करनी है उसके बारे में एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, उसको जरूर देखिएगा। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दूसरी बात, अगर आपके पूर्वज माता पिता दादा दादी नाना नानी या जो कोई भी है जिसका श्राद्ध करना है वो तिथि के हिसाब से किया जाता है। और अगर आपको तिथि नहीं मालूम है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे चैनल astrodevam.com पे तिथि जानने के लिए एक अलग निःशुल्क सुविधा है। वहाँ जा करके आप अपना स्थान और दिनांक भर करके जान सकते हैं कि आप जिनका श्राद्ध करना चाहते हैं उनका देहांत कब हुआ है, मृत्यु कब हुई है। लेकिन फिर भी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जा करके चैनल सब्सक्राइब करने के बाद अपना पूरा विवरण लिख कर भेज दीजिए। हमारी टीम गणना करके आपको बता देगी कि जिन सज्जन का या सन्नारी का आप जानना चाहते हैं उनका ध्यान किस तिथि को हुआ है और श्राद्ध कब करना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ना, अच्छी सुविधा। तो नमस्कार, फिर से मैं प्रारंभ करता हूँ। तो 17 सितंबर को पूर्णिमा तिथि है। पूर्णिमा का जो भी व्यक्ति जिनका देहांत पूर्णिमा को हुआ है, फुल मून डे के हुआ है, उनका श्राद्ध 17 सितंबर को किया जाएगा। 18 सितंबर को जिनका देहांत प्रतिपदा तिथि को हुआ है उनका जो है आप श्राद्ध इस दिन कर सकते हैं। द्वितीय तिथि का जिनका देहांत हुआ है उनका 19 सितंबर को श्राद्ध करना है और 20 सितंबर को श्राद्ध उनका करना है जिनका देहांत तृतीय तिथि को हुआ है। 21 सितंबर को चतुर्थी तिथि का श्राद्ध करने वालों का यह श्राद्ध किया जाएगा, यानी कि जिनका ध्यान चतुर्थी तिथि को हुआ है उनका श्राद्ध किया जाएगा। इस दिन भरड़ी श्राद्ध भी किया जाएगा। भरड़ी श्राद्ध क्या होता है इसके बारे में एक बहुत अच्छा वीडियो ज्ञानवर्धक अलग से मैंने बनाया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। भरड़ी श्राद्ध क्या होता है जो 21 तारीख को किया जाएगा उसको आप जान सकते हैं। 22 तारीख को पंचमी है। आप जिनका देहांत पंचमी तिथि को हुआ है उनका श्राद्ध 22 सितंबर को किया जाएगा और इस दिन इसको कुंवारा पंचमी कहते हैं। कुंवारा पंचमी जिनका मतलब कि जो अनमैरिड, जो बिना शादी किए हुए जो है जिनका देहांत हो गया है बिना विवाह के, उनका श्राद्ध जो है 22 सितंबर को किया जाएगा। जब मैं बताऊंगा किसी विशिष्ट बात को इसका मतलब किसी भी तिथि को उनका देहांत हुआ हो लेकिन श्राद्ध उसी दिन होगा, यह बात 22 तारीख को लागू होती है। अगर किसी का देहांत बिना विवाह के हो गया है तो वह 22 तारीख को ही किया जाएगा। 23 तारीख को षष्ठी और सप्तमी ये दोनों तिथियों को देहांत करने वालों का श्राद्ध 23 सितंबर को किया जाएगा। ये अलग बात है लेकिन यह वैज्ञानिक गणना से चुकी आती है, यह इसी तरह से आपको करना चाहिए। 24 सितंबर को अष्टमी तिथि को जिनका देहांत हुआ है उनका श्राद्ध किया जाएगा और 25 सितंबर को नौमी तिथि को जिनका देहांत हुआ है उनका श्राद्ध किया जाएगा। इस दिन को मातृ नवमी भी कहते हैं। तो अगर आपकी माता जी का देहांत पहले हो चुका है तो इस दिन जरूर उनको आप श्राद्ध अर्पण करें। और एक और बात बता दें कि इसे सौभाग्यवती नारियां, यानी कि जो स्त्री का देहांत, महिला का देहांत उनके पति के रहते हुए हो गया है उन सबका श्राद्ध जो है मातृ नवमी यानी 25 सितंबर को ही किया जाएगा। उनको किसी भी तिथि को देहांत हुआ उनका इस तरह से किया जाएगा। और 26 सितंबर को जो श्राद्ध किया जाएगा उनका जिनका देहांत दसवीं तिथि को किया जाएगा, यानी वैदिक कैलेंडर में दसवीं तिथि यानी 10th day जो होता है। और 27 सितंबर को एकादशी तिथि का देहांत करने वालों का श्राद्ध किया जाएगा। 28 सितंबर को कोई श्राद्ध का दिन नहीं है, इस दिन कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, किसी भी श्राद्ध का नहीं होगा। 29 सितंबर को जिनका द्वादशी तिथि को देहांत हुआ है उनका श्राद्ध किया जाएगा। इसके अलावा जिन्होंने जीवन में संन्यास ले लिया है और उनका श्राद्ध
29 सितंबर को ही किया जाता है, केवल सन्यासियों का। सन्यासी का देहांत किसी भी तिथि को हुआ हो, उनका श्राद्ध हमेशा जो है द्वादशी तिथि वाले दिन किया जाता है, यानी 29 सितंबर को। यह ध्यान रखिएगा, इस दिन महाश्राद्ध भी है। महाश्राद्ध की महत्ता क्या है, इसमें क्या करना है, ध्यान देना है, इसके बारे में एक अलग वीडियो बना हुआ है, उसको आप देखेंगे तो बहुत ही आनंद आएगा, अच्छे ढंग से कीजिएगा, ठीक है ना। 30 तारीख को त्रयोदशी तिथि यानी 13वीं तिथि को जिनका देहांत हुआ है उनका श्राद्ध किया जाएगा, और 1 अक्टूबर को जिन लोगों की अपमृत्यु हुई है यानी एक्सीडेंटल डेथ हुई है, किसी दुर्घटना में डेथ मृत्यु हो गई, किसी शस्त्र से यानी किसी ने हत्या कर दी, उनका जो है इस तरह की जितने भी जो है मृत्यु हुई है, जो सामान्य मृत्यु नहीं आत्महत्या कर ली है, उन सबकी जो है श्राद्ध जो है 1 अक्टूबर को किया जाएगा। इनमें किसी भी दिन उनका देहांत हुआ हो लेकिन श्राद्ध 1 अक्टूबर को किया जाएगा। और 2 अक्टूबर को अंतिम दिन है, इस दिन महालया अमावस्या है, इस दिन चतुर्दशी और अमावस्या दोनों तिथियों में जिनका देहांत हुआ है उनका श्राद्ध किया जाएगा। इस दिन सर्वपितृ श्राद्ध भी किया जाता है, यानी सभी पितरों का आप श्राद्ध इस दिन कर सकते हैं, और पितृ विसर्जन भी आज ही के दिन किया जाता है, यानी आप पितरों को जो आपके पितृपक्ष के लिए इस धरती पर इस आयाम में इस डायमेंशन में आए हुए हैं उनको विदा कर हुआ होता है। इसमें बहुत अच्छी प्रक्रियाएं होती है जिनका आप ज्ञान जो है हमारे बड़े वाले वीडियो में कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात इस दिन ये है कि 2 अक्टूबर को गज छाया योग भी है। गज छाया योग क्या होता है, अगर हस्त नक्षत्र में सूर्य चंद्रमा दोनों आ जाते हैं तो उसको गज छाया योग होता है। इसमें इसकी बहुत ज्यादा महत्ता शास्त्रों में बताई गई है, और इसके बारे में श्लोक है, हस्त नक्षत्र सूर्य शादी चांद्र हस्त नक्षत्र युदामोश्या गज छाया तस्याम श्राद्ध दानी कार्यम। यह धर्म सिंधु का श्लोक है, और उसमें एक किसी भी अमावस्या को ऐसा हो सकता है, लेकिन चूंकि पितृपक्ष में ऐसा हुआ है तो बहुत ही जो है अच्छा योग इस बार बन रहा है पितृपक्ष में, तो इसको आप जो है अगर गज छाया योग में बता दूं आपको कि यह 2 अक्टूबर को 12:23 के से सूर्यास्त तक रहेगा, तो इसमें अगर आप पितृ विसर्जन करते हैं और चीजें करते हैं तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा, बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी। तेहरा श्राद्ध का, भरड़ी श्राद्ध, मघा श्राद्ध और श्राद्ध में ध्यान देने वाली बातें, ये सब का वीडियो मैंने अलग से बनाया हुआ है, जरूर देखिए, उसको ज्ञानवर्धन कीजिए और पितरों की कृपा प्राप्त कीजिए। जैसा कि मैंने बताया आपको कि श्राद्ध की एक विस्तृत प्रक्रिया होती है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा जानकारी देने वाला एक वीडियो अलग से डाल दिया हूँ, आपको मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं कि पूरी पूर्ण विधि से एक अच्छे ढंग से आपके किसी भी पूर्वज का श्राद्ध अच्छे ढंग से हो, विद्वान ब्राह्मण करे, तो आप एकदम संकोच मत कीजिए। आप किसी भी देश में हो, आप अगर अच्छे ढंग से अपना श्राद्ध अपने पितरों का श्राद्ध कराना चाहते हैं तो हमें हमारी हेल्पलाइन जो नीचे दिख रही है आपको इस वीडियो के, या ईमेल पर, दोनों में किसी भी तरह से संपर्क करके आप हमारी श्राद्ध की अनुपम सेवाओं का जो है लाभ उठा सकते हैं और पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं और पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। फिर से आपको पितृ पक्ष की शुभकामनाएं। मैं हूं आचार्य कल्कि कृष्णन, अष्टोदय।